मोदी मोदी, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी मोदी मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी 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 जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आज जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की इस पावन धरती से भारत माता की, भारत माता की, आज जयपुर ग्रामीण की इस पावन धरती पे आदरणीय मोदी जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि राजस्थान में चुनाव प्रचार का अभियान की शुरुआत अगर किसी पावन धरती से की है तो वो जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से की है। आदरणीय लोकसभा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस लोकसभा क्षेत्र में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। और इन कार्यकर्ताओं की तरफ से इस बात का विश्वास दिलाती हूँ, जिस तरह से नंबर एक पर राजस्थान में चुनाव प्रचार का अभियान इस लोकसभा से हुआ है, उसी तरह जब वोटों की गिनती की जाएगी तो सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी विजय श्री हासिल करेगी तो वो जयपुर ग्रामीण की पावन धरती होगी। दोनों हाथ खड़े करके इस बात का विश्वास आदरणीय मोदी जी को हम लोग दिलाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी स्वागत की कड़ी में हमारे राजस्थान के भागीरथ और राजस्थान में हम सबका नेतृत्व कर रहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी का कि वो राजस्थान की आन बान शान का प्रतीक साफा पहनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है और दोनों हाथ से तालियां बजाकर हम भी स्वागत करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, तालियां बजाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सहज व्यक्तित्व के धनी जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी आदरणीय राव राजेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का दुपट्टा पहना करके स्वागत करें। अब महिला शक्ति जिसके जिनके उत्थान के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इज्जत घर से लेकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लेकर के लखपति दीदी बनाने के लिए दंत संकल्पित सभी महिलाओं से मैं निवेदन करूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तस्वीर देकर के स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की जय, जय श्री राम। स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सहज स्वभाव के धनी जो खुद से पहले कार्यकर्ता को रखते हैं, 100 दिन के कार्यकाल में संकल्प पत्र के 45% घोषणाएं पूरी करने वाले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वो आकर के अपना स्वागत भाषण हम सभी के सामने प्रस्तुत करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आज के इस जयपुर ग्रामीण लोकसभा की इस चुनावी सभा में
सब सर्वप्रथम मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अपने स्थान पर खड़े होकर के स्वागत और अभिनंदन के तालियों के साथ में सभी अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार स्वागत और अभिनंदन करें। भारत माता की स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मंच पर विराजमान हमारे यहां जयपुर ग्रामीण के प्रत्याशी सम्मानीय राव राजेंद्र जी, हमारी कैबिनेट में हमारे साथी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ जी, सतीश पूनिया जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तरुण चतुर्वेदी जी, राज्यवर्धन जी राठौड़ साहब और मंच पर विराजमान सभी नेतागण और गांव गांव ढाणी ढाणी से आए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु एवं गांव गांव ढाणी ढाणी से आए सभी माता और बहनें और बुजुर्गों और साथियों, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। मित्रों, आज मैं सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारी यह जयपुर ग्रामीण की सभा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह पहली सभा राजस्थान में हुई है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि यह सभा आजादी के बाद कोटपुतली में पहली सभा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। राजस्थान की जनता की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि 2014 से पहले इस देश की स्थिति के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन राजनीतिक पार्टियों को और राजनेताओं को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगर 2014 के बाद कांग्रेस ने नारे गरीबी के नारे लगाए थे इंदिरा जी से लेकर के राहुल जी तक, लेकिन गरीबी का अगर हम काम देखते हैं तो 2014 के बाद गरीब कल्याण को लेकर के, देश के विकास को लेकर के, सीमाओं की सुरक्षाओं से लेकर के और देश में दुनिया में देश के स्वाभिमान सम्मान को लेकर करके आज देख रहे हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन देश के अंदर हुआ है और हमारा स्वाभिमान कितना बड़ा है। मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी की गारंटी, अगर कोई गारंटी की भी गारंटी है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को 3 महीने और कुछ दिन हुए हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, आपने देखा होगा कांग्रेस सरकार ने ईआरसीपी को लटकाने का काम किया, भटकाने का काम किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले राजस्थान के 21 जिलों को ईआरसीपी की योजना देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं मित्रों, अगर यमुना जल का समझौता करने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और यही नहीं, हमने जो वायदे किए थे 45% वायदा पूरा करने का काम किया तो हमारी मोदी जी की गारंटी के अनुसार हमने हमारे संकल्प पत्र को 45% पूरा करने का काम इन 3 महीनों में किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह मोदी जी की गारंटी है और मैं ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस तरह से मोदी जी की गारंटी और एक एक गारंटी को पूरा करने का हमने वायदा किया है, आपके सामने जिस कांग्रेस की सरकार ने किसानों के उन युवाओं को आंसू देने का काम किया था, 19 में से 17 पेपर लीक करने का काम किया, अगर उनको भी
हमारी SIT गठित करके उनमें से 65 लोगों को गिरफ्तार करके अंदर डालने का काम किया। ये मोदी जी की गारंटी ने किया, मोदी जी की गारंटी ने किया। हमने जो एक एक गारंटी आपको मोदी जी ने जो गारंटी दी है उन गारंटियों पर पूरा काम कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा था, जिस तरह से तुष्टिकरण के आधार पर सरकार चल रही थी और जिस तरह से गैंगस्टर राजस्थान के अंदर आते थे और गैंगवार करके चले जाते थे, हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स बना करके हमने कहा है कि ये मोदी जी की गारंटी है, यहाँ किसी प्रकार के कोई गुंडा तत्व नहीं आएंगे और इस तरह की कोई हरकत नहीं होगी। मैं माननीय मोदी जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि आपने राजस्थान के अंदर जिस तरह से शानदार सरकार बनाने का काम किया है, उसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान 25 की 25 सीट जीत करके 25 कमल के फूल, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 25 कमल के फूल देना चाहेगा। मैं ये 25 कमल के फूल जिता करके ये राजस्थान की जनता आपको देना चाहती है और ये 25 कमल के फूल जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा, आपके पास 25 कमल के फूल राजस्थान के धरती से पुनः जीत कर जाएंगे। 2014 में भी 25 जीत करके गए थे, 2014 में 25 जीत करके गए थे, 2019 में भी 25 जीत करके गए थे, इस बार भी आप 25 के 25 जिता करके भेजोगे, ये निश्चित रूप से पता है। लेकिन इस बार मार्जिन बहुत बड़ा होगा, कोई भी बूथ ऐसा नहीं होगा जिस पर हमारी कमल का फूल नहीं खिलेगा और 25 की 25 सीट 5 लाख से अधिक वोटों से राजस्थान जिता करके भेजेगा, ऐसा मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। और एक बार जोर से माननीय मोदी जी का आप स्वागत करेंगे, भारत माता की, भारत माता की। जिस पल का हम सभी को इंतजार था, हमारे देश के 140 करोड़ लोगों के परिवार के मुखिया जिन्होंने समय के कण पल पल शरीर के कण कण को देश के प्रति समर्पित किया, लगातार देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम किया, ऐसे प्रधानमंत्री जी को मैं निवेदन करूंगी कि वो पधारें और अपने ओजस्वी उद्बोधन से हम सभी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करें, दोनों हाथ खड़े करके भारत माता की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राम राम सा। भारत माता की, भारत माता की। तोरावटी की पुण्य भूमि से शीतला माता, शिला माता, जम्बाय माता और मनसा माता के चरणों में नमन करता हूं। मैं देवनारायण भगवान को प्रणाम करता हूं। मैं तेजाजी महाराज के चरणों में नमन करता हूं और मैं जनता जनार्दन को भी अनेक अनेक वंदन करता हूं। मैं सामने जो दृश्य देख रहा हूं, राजस्थान की जनता जनार्दन का इतना बड़ा जनसैलाब, आपका ये उत्साह, आपका ये जोश 4 जून का संकेत दे रहा है। राजस्थान के लोग हमेशा देश की मजबूती के लिए खड़े हैं और जयपुर का जलवा तो
मैंने कुछ दिन पहले जब फ्रांस के राष्ट्रपति यहां आए थे, पूरी दुनिया ने जयपुर का मिजाज देखा। साथियों, 2019 में मेरी राजस्थान की पहली चुनावी सभा भी ढूंढाड़ से ही शुरू हुई थी। अब 2024 में भी इसी क्षेत्र से चुनावी सभा की शुरुआत हो रही है और मैं देख रहा हूं आप सबने भी निर्णय कर लिया है। फिर एक बार साथियों, 24 के इस चुनाव में देश की सियासत फिर दो खेमों में बंटी नजर आ रही है। आज एक तरफ राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेकर चलने वाली भाजपा है तो दूसरी तरफ देश को लूटने के मौके तलाशने वाली कांग्रेस पार्टी है। आज एक और देश को परिवार मानने वाले, देश को परिवार मानने वाली भाजपा है तो दूसरी ओर अपने परिवार को देश से बड़ा मानने वाली कांग्रेस है। आज एक और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाली भाजपा है तो दूसरी ओर विदेश में जाकर भारत को गाली देने वाली कांग्रेस है। ऐसी देश विरोधी परिवारवादी ताकतों के खिलाफ राजस्थान हमेशा ढाल बनकर के खड़ा रहा है। राजस्थान ने 2014 में बीजेपी को 25 की 25 सीटें दी थी। राजस्थान ने 2019 में भी एनडीए को 25 की 25 सीटें दी थी और अब 2024 में भी राजस्थान 25 की 25 सीटें देने का फैसला कर चुका है। पूरा राजस्थान कह रहा है 4 जून। साथियों, 2024 का ये लोकसभा चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव विकसित राजस्थान और विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। ये चुनाव भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। ये चुनाव
भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए है। ये चुनाव आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए है। ये चुनाव किसानों की समृद्धि के संकल्प का चुनाव है। ये चुनाव घर घर नल से जल पहुंचाने का चुनाव है। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस और उसका इंडी गठबंधन देश के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को बचाने के लिए रैली पर रैली, रैली पर रैली करते जा रहे हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ, मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ। निर्णय आपको करना है। इतना ही नहीं साथियों, जनता के दरबार में हार चुका इंडी अलायंस अब कैसे मंसूबे पाल चुका है, इसकी भी झलक लगातार देखने को मिल रही है। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता खुद के चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहे, वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे माउन करते हैं, लेकिन वो देश को धमकी दे रहे हैं कि अगर तो देश में आग लग जाएगी। भाई बहनों, मोदी 10 साल से बैठा है, तुम्हारी लड़ाई हुई आग को बुझा रहा है। कांग्रेस के लोग खतरनाक इरादे जताना शुरू कर दिए हैं, और इसलिए देश को बचाने के लिए, देश का भविष्य बनाने के लिए सुखी और समृद्ध हो, इसके लिए ये चुनाव बहुत अहम है। आज देश में बीजेपी की मजबूत और निर्णायक सरकार की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है। साथियों, मैं परिवारवादी पार्टियां
और उनके भ्रष्टाचार पर सवाल उठाता हूं और इसलिए मैं उनके निशाने पर हूं। मैं जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं, क्या मुझे ऐसे सवाल उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को देश में उजागर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनके भ्रष्टाचार को खोल करके रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? वो मुझे गालियां देते हैं और यहां तक कह देते हैं, अरे मोदी का कोई परिवार नहीं है, उसको भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं है। तो क्या परिवार है तो आपको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? वो कुछ भी कहे, मेरे लिए तो आप ही मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार है और मैं राजस्थान की धरती पर, ये वीरों की धरती है, इस जुबान के पक्के लोगों की धरती है, उस धरती पर कहना चाहता हूं, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। साथियों, पिछली सरकारों ने जिसे पूछा तक नहीं, मोदी ने उसे पूजा है। कांग्रेस ने देश के करोड़ों छोटे किसानों को कभी नहीं पूछा, मोदी ने राजस्थान के 85 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए भेजे हैं। कांग्रेस ने कभी श्रमिकों मजदूरों को पूछने के लिए उनको फुर्सत नहीं मिली, मोदी ने उन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा दी, उनके लिए पेंशन योजनाएं बनाई। कांग्रेस ने देश के गरीबों को कभी नहीं पूछा। भाजपा सरकार देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दे रही है और इतना ही नहीं, मेरी सरकार बहुत पहले निर्णय कर चुकी है, आने वाले 5 साल भी मुफ्त राशन मिलता रहेगा। मैं गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा, मैं भूखे पेट किसी बच्चे को सोने की नौबत आए ये मुझे मंजूर नहीं है। दोस्तों, भाजपा ने करोड़ों गरीबों को पीएम आवास के जरिए पक्का घर दिया, और जब पक्का घर मिलता है तो सिर्फ 4 दीवारें मिलती है ऐसा नहीं है, जिंदगी में पहली बार उसके इसका एक एड्रेस तय होता है, जिंदगी में पहली बार वो स्वाभिमान की जिंदगी जीने की शुरुआत करता है, पहली बार वो जिंदगी में उस नए घर में नए आशियाने में नए सपने बुनना शुरू कर देता है।
भाजपा ने गरीब माताओं बहनों के लिए करोड़ों शौचालय बनाए। ये शौचालय ये सिर्फ कोई कंस्ट्रक्शन का काम है इतना नहीं है, ये इज्जत घर है। वो लोग गरीबी से निकले हैं ना, उनको पता है कि माताओं बहनों को शौचालय न होने से कितना दर्द झेलना पड़ता था। या तो सुबह सूरज निकलने से पहले जाओ, या तो शाम को सूरज ढलने के बाद जाओ, दिन में जाना है तो पीड़ा सहन करती थी माताएं बहनें, जा नहीं सकती। ये दर्द गरीब मां का बेटा समझ सकता है। औरों के लिए शौचालय मजाक होगा, मेरे लिए शौचालय के पीछे मिशन मोड पर काम करना माताओं बहनों की इज्जत के साथ जुड़ा हुआ मेरा भावनात्मक नाता रहा हुआ है। भाजपा ने 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जनधन खाते खुलवाए। भाजपा ने गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दिए। और जयपुर का कोई व्यक्ति अगर चेन्नई गया और बीमार हो गया तो उसको भी वहां सिर्फ कार्ड काफी होता है, चेन्नई में भी उसको हॉस्पिटल में पूरी मदद मिल जाएगी। साथियों, कांग्रेस सरकारों की उपेक्षा के कारण हमारा तोरावाटी भी विकास के मामले में पीछे छूटता चला गया था, लेकिन कोटपुतली बड़ौदा मेव हाईवे से ये इलाका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ने जा रहा है। पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी परियोजना को कांग्रेस ने दशकों से लटका कर रखा था। भाजपा सरकार ने हरियाणा से आने वाले यमुना के पानी के मुद्दे को भी हल कर दिया है। इन फैसलों से, इन परियोजनाओं से यहां के लोगों और किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। ये सारे काम हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमारी नीयत सही है। हम ईमानदारी से आपकी सेवा का प्रयास करते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं नीयत सही तो नतीजे सही। साथियों, आज देश में बीजेपी का मतलब है विकास और समाधान, लेकिन कांग्रेस का मतलब है देश की हर बीमारी की जड़। आप देश की कोई भी बड़ी समस्या देखेंगे तो उसकी जड़ में कांग्रेस पार्टी ही नजर आएगी। आजादी के 7 दशकों तक देश में गरीबी रही कांग्रेस की वजह से। भारत को नई टेक्नोलॉजी के लिए, रक्षा सामान के लिए दूसरे देशों की ओर देखना पड़ता था कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस ने कभी हमारी सेना को आत्मनिर्भर नहीं होने दिया। कांग्रेस के समय में भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े हथियार इंपोर्ट करने वाले, हथियार आयात करने वाले देश की थी। आज भाजपा सरकार के समय भारत की पहचान भारत के हथियार का
निर्यात करने वाले देश के तौर पर बन रही है। कल ही भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट में नया रिकॉर्ड बनाया है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत ने 21,000 करोड़ रुपए का रक्षा सामान निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है। भारत आज 80 से ज्यादा देशों को मेड इन इंडिया हथियार बेचता है, और इसलिए मैं फिर कहूंगा, नीयत सही तो नतीजे सही। साथियों, भारत की सफलता के बीच मैंने कभी, हर देशवासी इस बात को भली भांति जानता है, मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि 10 साल में हमने सब कुछ पूरा कर दिया। मैंने ऐसा दावा कभी नहीं किया, लेकिन यह भी सच है कि जो काम आजादी के बाद 5-6 दशकों में नहीं हो पाए, वो काम हमने करके दिखाए हैं। देश को जिस गति की जरूरत थी, हमने उस गति से काम किया है। 2014 तक देश में 20,000 किलोमीटर रेल लाइन बिजली से जुड़ी थी। आपको आंकड़ा याद रहेगा, 2014 तक 20,000 किलोमीटर रेल लाइन बिजली से जुड़ी थी। कितनी, जरा बताएंगे, कितने किलोमीटर? 20,000 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? इतने आजादी के बाद इतने सालों में 20,000 किलोमीटर याद रहेगा। 10 वर्षों में मोदी ने 40,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइनों को बिजली से जोड़ दिया, इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया। कांग्रेस ने दशकों तक केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया। बीजेपी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाल करके दिखा दिया है। भाइयों बहनों, 370 मानो ऐसा बिजली का करंट था, ऐसा डरा के रखा था, कोई 370 को छुएगा तो पूरे देश में बिजली का करंट लग जाएगा। छूने को तैयार नहीं थी। इनको पता नहीं है ये मोदी है। और कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करना हो, मैं विशेष रूप से माता और बहनों को प्रणाम करता हूं। आपका यह आशीर्वाद, आपका यह उत्साह, मैं आपको विशेष प्रणाम करता हूं। इन लोगों ने सालों तक चलाया। अगर राम मंदिर का नाम भी लोगे तो देश जल मरेगा, आग लग जाएगी। भव्य राम मंदिर बना कि नहीं बना? बना के नहीं बना? दिए जले
आग नहीं लगी। तीन तलाक के खिलाफ हमने सख्त कानून बनाकर मुस्लिम बेटियों की जिंदगी बचाने का काम किया। वन रैंक वन पेंशन लटका के रखे थे, मेरे वीर जवानों की वो मांग को भी बड़ी नम्रता के साथ आपके इस सेवक ने पूरी कर दी। दशकों से जिन फैसलों का इंतजार था वो मोदी ने पूरा करके दिखाए हैं। साथियों, और इसलिए कुछ लोग कहने लगे हैं, अरे मोदी जी इतना कुछ हो गया अब क्या बाकी बचा है, अरे जरा आप तो आराम करो। लेकिन ऐसे लोग भूल जाते हैं मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। बहुत कुछ हुआ होगा लेकिन साथियों 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है, हमें राजस्थान को आगे लेकर जाना है। बीजेपी सरकार का तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक और निर्णायक फैसलों का कार्यकाल होने वाला है। साथियों, मैं जब विकसित भारत की बात करता हूं, जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करता हूं, तो कांग्रेस और इंडी अलायंस के लोग जमकर के जी भर करके मोदी को गाली देते रहते हैं। लेकिन राजस्थान के लोग जानते ही हैं, राजस्थान के लोग भली भांति जानते हैं, दाल बाटी चूरमा, वोटर मारा सुरमा। मोदी तो देश के वोटर की ताकत से, जनता जनार्दन की ताकत से दिन रात दौड़ता है, आपके लिए दौड़ता है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ता है। और इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, प्रार्थना करने आया हूं, 19 अप्रैल को जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह जी और पूरे राजस्थान से भाजपा के सारे उम्मीदवार, इनको दिया आपका एक एक वोट मोदी की ताकत बढ़ाएगा। मेरा एक काम जरूर करना होगा आपको, करेंगे। देखिए गर्मी बहुत बढ़ती चली जा रही है, हम तो वीरों की भूमि है, कितनी ही गर्मी क्यों ना हो
कितनी ही बर्फबारी क्यों न होती हो, रेगिस्तान में कितनी ही आंधी चलती हो, लेकिन हमारा राजस्थान का वीर बिना डगे बिना थके खड़ा रहता है। अगर मेरे देश का वीर जवान अगर किसी भी मौसम में मेरे देश के लिए तैनात रहता है तो हमें तो देश के लिए गर्मी कितनी ही क्यों न हो घर से निकल करके वोट जरूर करना है। मेरी ये बात घर घर पहुंचाएंगे, कितनी ही गर्मी है वोट करवाएंगे, पहले मतदान फिर जलपान ये बात पहुंचाएंगे। और एक बात मेरी पर्सनल जरूर कह देना, अब तो मैं सब दूर जा नहीं पाता हूं, लेकिन आज मैं जब आपके बीच आया हूं तो आप बताना कि मोदी जी आए थे, आपको प्रणाम भेजा है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।